क्यों खुद नूं पिंजरे विच कैद किया है? पिंजरा तोड़ बाहर आ, आज़ाद परिंदा है तू, किस गल दा झोरा है तेनू, क्यों डर रहा है? अपने वल नज़र मार, मोया नहीं हाले जिंदा है तू। पीवत्ती नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तों नज़र ला लैंदे वीडियो किस बाबत होने वाली है। दोस्तों, जुडिशल मीनस जस्टिस, जस्टिस मीनस रैशनैलिटी, और जस्टिस का मतलब इंसाफ है, न्याय है, चेतना है। और यही चेतना दिखाते हुए सैशन जज कमलजीत सिंह बाजवा जी ने अज एक मार्च में हरी झंडी दिती है, जिस के तहत ये जागरूक किया जाएगा कि जेडे बैगर्स ने, अगर असी उन्हों तो धक्के बैगिंग करवाने, भीख मंगवाने, तो ये अपराध है, और इस अपराध में इनू रोकना चाहिए, क्योंकि ये जेडे बच्चे ने इन्हों का फ्यूचर सड़कों पर नहीं, इन्हों का फ्यूचर किताबों में है। ये बच्चे भी आने वाले समय में समाज लिए, देश लिए अपना योगदान पा सकते हैं। हो सकता इस बच्चों में कोई कैपेबिलिटी होवे, इनोवेशन होवे, क्रिएटिविटी होवे, कल दे साइंसदान हो सकते हैं, एक कल दे जज हो सकते हैं, एक कल दे वकील हो सकते हैं, जिहड़े लोगों को इंसाफ दवाउण। सो यह बहुत अच्छी पहलकदमी है, तां जो जिहड़े भीख मंगते हैं बच्चे, उन्होंने जागरूक किया जाए, उन्होंने काउंसलिंग की जाए। शेल्टर होम भी तैयार किया गया, बच्चों को 3 टाइम का खाना भी दिता जाएगा, बच्चों की काउंसलिंग भी की जाएगी, बच्चों समझाया भी जाएगा, ताकि उन्होंने अंदर रैशनल सोच डिवेलप कर सके, ताकि वह भी समाज में योगदान पा सकन। क्योंकि एक कोट भी है दोस्तों कि बैगर्स विल ऑलवेज बी अ बैगर इफ यू गिव दैम इंटायर वर्ल्ड आलसो, इफ यू गिव दैम गिफ्ट्स फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड आलसो। तुसीं बैगर नूं कुछ भी दे दो, पर उहदी सोच फिर भी मंगण वाली रहिंदी है। ये उस सोच नूं बदलना चाहुंदे ने। एंड इट इज़ वैरी ईजी टू डिफीट समवन, बट इट इज़ वैरी डिफिकल्ट टू विन समवन। अज ये बच्चों का दिल जितना चाहुंदे ने, तां जो बच्चों नूं महसूस होवे कि बच्चे भी समाज का हिस्सा ने, वह भी साडे हीरे ने, ये हीरियां नूं पॉलिश करना चाहुंदे ने, ताकि आने वाले समय में ये बच्चे भी सिर उच्चा करके जी सकन। आने वाले समय में इन बच्चों के अंदर कोई हीन भावना ना रहे, आने वाले समय में इन बच्चों में पूरा कॉन्फिडेंस होवे, उन्हें माण होवे भारती होने पर, और वो अपने आले दुआले सबनों खुशी दे सकन, अपने आले दुआले खुशी बखेर सकन। आओ रुख करते हैं जिथे कमलजीत सिंह बाजवा जी प्रेस में संबोधन कर रहे। जिवें कि आपां सारे जाणदे हां कि भीख मंगणा अते भीख देणा दोवें एक तरह नाल अपराध ने, बच्चों के पक्ष तों खास करके। असीं बच्चों के उसारू भविख वास्ते जिम्मेवार हाँ एक समाज वजों। भीख जो बच्चों को मंगवाउंदे ने, वो ना केवल एक कानूनी अपराध है, बल्कि एक नैतिकता का भी अपराध है। अज जो असीं एंटी बैगिंग ड्राइव चलाई है, इस दे तहत साढ़े पैरालीगल वलंटियर्स जिहड़े ने वो शहर के वख वख हिस्सों में जाके उन्हां बच्चों नाल राबता कायम करनगे, जिहड़े बच्चे अजकल भीख मंगण दे इस रोज़गार दे विच संलिप्त होए हुए हन। उन्हां बच्चों नूं असीं लै के उन्हां दी काउंसलिंग करांगे, उन्हां दे माँ बाप तक पहुँच करके उन्हां दी काउंसलिंग करांगे, अते बच्चों नूं कोई वोकेशनल ट्रेनिंग देने वास्ते किसी ना किसी संस्था नूं नाल ला के उन्हां नूं किते बाद ट्रेनिंग दित्ती जाएगी। उन्हां दे रहन सहन का इंतजाम किया गया है, जो कि शैल्टर होम नवां शहर विच किया गया है। और इस दे अलावा असी उन्हां दे जिहड़ा 3 वक्त की रोटी है, उस निष्काम सेवा सोसाइटी वालों वालों उन्हां दी जिम्मेदारी ली गई है। इस दे अलावा उन्हां दे खेलन कूदन दा अते उन्हां दी जिहड़ी डेली एक्टिविटीज़ है और एजुकेशन है, उहदे वास्ते असी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नाल मिल के कुछ टीचर्स नूं असी नाल लगा के ते इन्हां दी चंगी सिक्ख्या और सेहत संभाल वास्ते असी कम करांगे। असी आस करदे हां कि शहर वासी किसी भी ऐसे बच्चे नूं जिहदे कोलों जबरदस्ती भीख मंगवाई जा रही होवे सानूं रिपोर्ट करन, तां कि असीं जिहड़ा बंदा इस ग्रोह दे पिछे कोई काम कर रहा है उहदे खिलाफ असीं सख्त तों सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकीए। चाइल्ड लेबर नूं लै के भी बड़ा मुद्दा उठदा, बहुत छोटे बच्चियां नाल दुकानां होटलां 'ਤੇ लगाया जांदा है, उहनां संबंधी भी कोई मुद्दा। चाइल्ड लेबर वास्ते भी असीं अगला जो कार्यक्रम साडा हैगा उह असीं सोचिया होया कि चाइल्ड लेबर वास्ते भी असीं आइडेंटीफाई करांगे। असीं PLVs नूं पहलां ही इस ड्यूटी दे उत्ते ला चुके हैं, जो कि आइडेंटीफाई करनगे, क्योंकि बिना आइडेंटीफिकेशन तों गल नहीं बनदी। आइडेंटीफाई करके जिहड़े जिहड़े जगह दे उत्ते चाइल्ड लेबर वाले सानू गुनाहगार मिलणगे, उन्हां दे खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी, और बच्चों का जिहड़ा हैगा उन्हां नूं असीं इसे जो साडा रहन बसेरा है और शैल्टर होम है, इहदे विच लिया के
उन्हां दी काउंसलिंग करांगे और उन्हां दे मां बाप की भी काउंसलिंग करांगे। अगला साडा स्टैप यही है। अक्सर सर इस तरह कार्यक्रम हो जाते लेकिन ग्राउंड जीरो तो इस तरह नहीं होता सर। नहीं, इस बार इस तरीके का कोई काम नहीं है। ग्राउंड जीरो के उत्ते तुहानूं जरूर कोई ना कोई बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि इहदे विच असीं शहर वासियों नूं नाल इनवॉल्व कर रहे हैं। असीं एक नंबर दस रहे हैं साडे पी जिहड़े मैडम सैक्रेटरी ने DLSA दे, उन्हां नूं तुसीं खुद भी जिम्मेदार शहरी बनोगे तो उन्हां नूं तुसीं अगर दसोंगे कि जी इत्थे आह इस किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, जब बच्चे भीख मांग रहे हैं या कोई चाइल्ड लेबर करवा रहा है तो असी वो हरकत चाहवांगे, असी उस दे उत्ते जरूर काम करांगे। सर पहले भी NGO वालों सर कई बार नवांसर में बेगर फ्री वास्ते स्कीम चलाया गया सी लेकिन सिर्फ NGO जिहड़े ने उह सिर्फ सम्मान भर सम्मान चाहिए उन्होंने सिर्फ सम्मान भर के काम नहीं नहीं सानू ऐसा सम्मान या ऐसा कोई प्रेस दे विच सानू कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। असी काम कर रहे हैं सोसायटी वास्ते, इस दे विच तुसी इंतजार करो, तुसी देखोगे कि जरूर कुछ ना कुछ तुहानू देखने नूं मिलेगा। सर एक चैलेंज है जी क्योंकि कुछ अगर ग्राउंड रेंट की गल करिए कुछ प्रवासी बच्चे ने जो रेहड़ियां लगाते हैं और अंदर फोटन ने उन्होंने अपना तर्क है कि साढ़े सिर पर पिता नहीं है असं घर भी चलाना है। बिल्कुल इस गल मद्देनज़र रख के असी जी वोकेशनल ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम है वो इस गल मद्देनज़र रख के ही असी क्योंकि देखो गरीबी दे वजों ही उस गरीबी के कारण या भुख के कारण वो ये काम करते हैं, चाइल्ड लेबर करते हैं या भीख मांगते हैं। उस चीज़ को जो असी एड्रैस कर लिया, उस चीज़ को असी जो क्योर कर लिया तो उस तो बाद ये चीज़ जी है तो बैगिंग वाली या जी चाइल्ड लेबर वाली है ये वैनिश हो जाएगी। अपने आप कल मैं एक बैगर को मिलया कुदरती मैंने बार बार ये कह रहे थे कि तुम अगर मुद्दा उठाते हो गल चंगी नहीं है असा हक है उन्होंने जी साइकोलॉजी है उन्होंने किमें चेंज करा साइकोलॉजी चेंज करने वास्ते ही असी इन्हों की जी काउंसलिंग है वह करा तो दसिया कि इतने असी काउंसलर भी नाल इनवॉल्व करा काउंसलिंग करा के उन्हों की चंगी तरह कि एक चंगी गल नहीं है। एक बच्चा देखो वो पूरे गुण लैके पैदा होया संसार में आया पूरे गुण पूरी सही वो बॉडी है सही वह दिमाग है असी उस चंगे पासे लाइए देश के दे, राष्ट्र के निर्माण वास्ते लाइए ना कि उन्होंने भीख मंगवा के असी वो एक तो हीनता की भावना नाल भरदा ऐसा बच्चा ठीक है ना वो कोई कॉन्फिडेंस नहीं बन सकता। सो असी हीनता की भावना तो उपर चुका के उदी सही एजुकेशन करवा के उन्होंने हेल्थ फैसिलिटीज दे के एजुकेशन दे के काउंसलिंग करा के असी राष्ट्र निर्माण के कार्य में लावांगे। थैंक यू।